चुनाव आयोग द्वारा पक्षपात करते हुए फैसला देने का आरोप लगाते हुए एनसीपी शरद पवार गुट ने आज नागपुर में विरोध प्रदर्शन किया है। पहले उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना का फैसला और कल ये फैसला शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। इन सभी फैसलों पर केंद्र सरकार के डर से दबाव में दिए जाने का आरोप आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकापा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। तो वही राकापा शरद पवार समूह के शहर अध्यक्ष दुरेश्वर पेटे ने कहा कि हम जनता के पास जाएंगे और दिखाएंगे कि पार्टी किसकी है। इस दौरान चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। चुनाव आयोग की ओर से जो है कल राष्ट्रवादी कांग्रेस के विरोध में जो निर्णय आया और वो अजीत गुट के पास चिन्ह और पक्ष का नाम लिया है, आज जो है यहाँ पे निषेध आंदोलन चुनाव आयोग के खिलाफ कर रहे हैं, क्या बता? ये निषेध आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि लोकशाही की जो हत्या की निवडणूक आयोग ने चौकल संविधान की हत्या करने की कोशिश जो की उसके खिलाफ यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ पे एक हुए। आप सबको मालूम है कि पूरे देश के जनता को मालूम है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसका पक्ष था, लेकिन कुछ यहाँ के आमदार वहाँ पे उधर चले जाने से कोई पक्ष उनका होता नहीं, लेकिन फिर भी निवडणूक आयोग ने जिस प्रकार से निर्णय दिया उसके निर्णय के खिलाफ हम यहाँ पे लड़ेंगे। और ये अगर यहाँ पे हमारे को न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, हमारे को सुप्रीम कोर्ट जरूर न्याय देगा और हम सुप्रीम कोर्ट में जाके हम न्याय लेके रहेंगे और हमारा पक्ष और हमारा चिन्ह जो पवार साहब ने स्थापन किया है वो वापस लाए बगैर छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात, महाराष्ट्र की जनता ये सब जानती है कि ये पक्ष किसका है और आने वाले समय में मतदान के जरिए ये सब सारी चीजें महाराष्ट्र की जनता को, देश के जनता को और जो निवडणूक आयोग ने जिस गलत तरीके से निर्णय दिया उसको भी पता चल जाएगा। चुनाव आयोग का जो फैसला आना था ये तो आपके जो पक्ष के वरिष्ठ नेता है इन्हें पहले से ही पता था इस तरह का फैसला आने वाला है, वो आगे की पक्ष के चिन्ह की तैयारी में भी लगे हुए थे, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले है, तो आगे आप किस तरह से उनके साथ? पिछले कुछ वर्षों से जब केंद्र शासन आया यहाँ पे केंद्र में जो भाजपा की सत्ता आई उस समय से आप देखे जा रहे हैं कि यहाँ पे किस किस प्रकार से निर्णय लिए जा रहे हैं और निर्णय वो गलत तरीके से हो ही रहे हैं। और ये निर्णय हमारे को एक्सेप्ट था मतलब वो होने वाला ही था, इसलिए हमारे को कोई ये नहीं है। लेकिन हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से नए दम से पूरी मेहनत से काम करेगा। जिस प्रकार से चुनाव आयोग का कल निर्णय आया, हम सभी यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से, शरद पवार साहब की तरफ से, उनके पार्टी की तरफ से हम सभी यहाँ पे निषेध करते हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार का चुनाव आयोग कठपुतली बन के बैठा है और हमको अपेक्षित था कि इस प्रकार से ही निर्णय आएगा। पवार साहब कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और पार्टी का अभी हमको चुनाव आयोग ने बोला है 3-4 बजे तक एक नया चिन्ह और नया नाम हमको देने के लिए। तो जो भी पवार साहब निर्णय लेंगे, समस्त पदाधिकारी हमारे शरद पवार के साथ हम लोग सभी खड़े हैं और उनके साथ में हम लोग रहेंगे। पक्ष निकालने के बाद में वो अभी हयात है, ऐसा होने के बावजूद भी केंद्रीय निवडणूक आयोग ने अपोज में हमारे निर्णय दिया। अभी हमारा पूरा न्याय व्यवस्था पे विश्वास है, हमारा न्याय व्यवस्था पे विश्वास होने के बावजूद हम कोर्ट में जाने, सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले, तो ये चिन्ह और ये पक्ष हमारा रहेगा, इतनी हमें पूरी गारंटी है। और हम जब तक शरद पवार के साथ में सब नागपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष के नाते सब इन पवार साहब के साथ में रहेंगे। चुनाव आयोग ने जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के जो निरपक्ष जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिला है, और ये जो सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, उस सरकार का जो हेतु है, जो लोगों के सामने आज पर्दापाश हो चुका है कि किस तरह से वो पार्टियां तोड़ने का काम कर रही है, और पार्टी तोड़ के जो महाविकास आघाड़ी थी, जो महाविकास आघाड़ी का जैसे इंडिया का अभी जो प्रभाव गिर रहा था, जो आम जनता उनके साथ हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है उसको इसका डर लगा और उनको लगा कि ये माध्यम से वो सरकार गिर सकती है, इसलिए उन्होंने ये षड्यंत्र किया है। और इस तरह से जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये कहीं ना कहीं संविधान को छेड़ने का और संविधान के खिलाफ जाने का काम हो रहा है। इसलिए चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है वो चुनाव आयोग के निर्णय के विरोध में आज हम निषेध यहाँ पे कर रहे हैं वैरायटी चौक में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो हमारी थी, जो शरद पवार साहब की थी, जो ओरिजिनल शरद पवार थे, आज हर किसी को पूछ लीजिए, बच्चे बच्चे को मालूम है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी है, तो शरद पवार की। उसी तरह शिवसेना पार्टी किसकी है, तो बाला साहब ठाकरे की, या हर कोई जानता है हर कोई। लेकिन जिस तरह से आज ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस तरह से पार्टियों का तोड़ने का काम करा जा रहा है, जिस तरह से आज द्वेष भावना फैलाने का काम कर रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं डर है कि आने वाली 2024 की जो लोकसभा इलेक्शन है, जो अन्य इलेक्शन है, उसमें उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, वो बहुमतों से नहीं आएंगे, इसलिए ये षड्यंत्र किया जा रहा है। इसलिए आज हम
निवर्णुक आयोग का जो निर्णय दिया उसका हम आज जाहिर निषेध करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से आज जो है वैरायटी चौक पर निषेध आंदोलन चुनाव आयोग के खिलाफ किया गया है, क्योंकि जिस तरह से निर्णय दिया गया है ये गलत निर्णय दिया गया है, ऐसा इनका कहना है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।